हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल पेट द क्वीन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर अपने पप्पी की वीडियो सेल करना चाहते हैं, पप्पी सेल करना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मुझे वीडियो भेज देना। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप मुझे वहाँ से नंबर लेके मुझे वीडियो भेज देना, वो वीडियो मैं डाल दूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, वही मॉर्निंग वॉक पे आ रखे हम। तो कुछ मेरे पास कल कमेंट आ रहे थे, सेम क्वेश्चन आते हैं यार बहुत ज़्यादा, तो मैं उन पर सोचता हूँ कि रिप्लाई ना करूँ, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन ये था कि भाई डिलीवरी कितने टाइम पे होती है, फर्स्ट टाइम में कितने बच्चे देगी। तो देखो, बच्चे का कुछ नहीं कह सकते कि कितने बच्चे देगी फर्स्ट टाइम में। भाई एक भी दे सकती है, 12 भी दे सकती है, 5 भी दे सकती है, 8 भी दे सकती है। वो तो भाई डिपेंड करेगा कि उस वक्त उसके हार्मोन्स कितने बने होंगे, एग्स कितने बने होंगे फीमेल के। ठीक है, वो डिपेंड उस पर करता है। ऐसा नहीं है, मेरी फीमेल थी तो 12 बच्चे दिए थे, फर्स्ट टाइम था 12 दिए थे उसने। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई 12 ही देगी, एक भी दे सकती है। और हाँ, कल एक ने मुझे वीडियो भेजी थी अपनी, तो उसके जो जर्मन शेफर्ड मिक्स थी उसके पास, तो उनके देखो बच्चे 12 हुए हैं। उन्होंने कल मुझे भेजा कि भैया 12 बच्चे हुए हैं। तो देखो, ये तो नेचर के ऊपर बात है, इसमें हम भी नहीं कह सकते ना आप कह सकते कि कितने बच्चे देगी फर्स्ट टाइम में फीमेल को, वो उसका कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, और एक क्वेश्चन और था, वो क्वेश्चन क्या था कि भाई हमारी जो फीमेल है कि उसको वेट नहीं बढ़ रहा है। देखिए, वेट का गर्मी में तो वेट आप नहीं समझे बढ़े, बहुत कम बढ़ेगा गर्मी के टाइम पे ना वेट। अब मैं मेरे डॉग्स की बात करूँ, जैसे पैरी और सॉरी मैगी और गोरी है। मैगी है अभी 5.5 महीने की, ठीक है, मैगी 5.5 महीने की, और सॉरी मैगी है 7 महीने की, गोरी है 5.5 महीने की। पिछले महीने जब मैंने गोरी का वेट किया था तो उसका वेट मिला था 16 किलो, और उससे पहले महीने किया था तो उसका वेट था 15 किलो। तो देखिए, एक महीने में कुल 1 केजी बढ़ा, और गोरी मैगी का बढ़ा कम से कम 3 किलो, मैगी का था 18 किलो, तो इसका वेट आया था 21 किलो। ठीक है, लेकिन इनके अंदर फैट नहीं है, फैट मतलब फैट मोटे नहीं है, आपको ऐसे हेल्दी कह सकते हो, लेकिन मोटे नहीं कह सकते इनको। मोटे मैं करने को कर सकता हूँ फैट बढ़ाकर, लेकिन फीमेल है तो फीमेल को देखो, अगर आपके पास फीमेल है तो हो सके तो उसको फैटी मत बनाएं। डॉग हो रहा है फैटी कोई बात नहीं, चलो आपको अगर उसे स्टड पे नहीं काम कराना है तो फैट है कोई इशू नहीं है, लेकिन ज़्यादा ओवर फैट भी नुकसान है। ठीक है, अच्छे क्योंकि लैब है तो लैब जो गोलू मोलू टाइप से जो है अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर फीमेल है तो फीमेल को कम फैटी बनाए, हेल्दी बना लें लेकिन फैटी ना बनाए। आप सोच रहे होंगे कि जैसे हमने देखे बच्चे मोटे मोटे जाते हैं, तो भैया बच्चे ही मोटे रहेंगे, बड़े जब होने होंगे तो अपनी ही ग्रोथ पे आएंगे वो। ऐसा कुछ नहीं है कि हम उनसे खिला पिला के मोटा कर देंगे, मोटा कर देंगे लेकिन फैटी कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा फैटी ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फैटी करने में नुकसान है भाई, टाइम पे हीट पे नहीं आएगी, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप मेटिंग कराओगे तो भाई खाली भी निकल सकती है, तो फैटी मत बनाना, हेल्दी बनाओ तो ठीक है। बन्नी, तुम भी कुछ कहोगे, इसकी भी सुन लो, बन्नी क्या कह रहा, ये भी कुछ कहना चाह रहा। तो देखो, क्वेश्चन उनका ये था कि भाई मैं उनको अपने डॉग को 3 टाइम खाना देती हूँ, और एक टाइम पे उनको फीड वगैरह और ड्राइज वगैरह। देखो, मेरा जो टाइम टेबल है मेरे अकॉर्डिंग आप चलना। देखो, बढ़ना होगा वेट तभी बढ़ेगा, सुनो। आप अगर देखो, सुबह तो पहले डॉग को कराओ मॉर्निंग वॉक, ठीक, मॉर्निंग वॉक रहेगा, डाइजेशन अच्छा हो जाएगा उसका मॉर्निंग वॉक करने से। अभी फ्राइडे की बात करूँ तो भाई बता रहा था कि भाई उस टाइम पे एक आधी रोटी खाता था फ्राइडे, लेकिन अब पूरा पूरा इसको भूख ज़्यादा लगती है अब, तो डाइजेशन बढ़ गया इसका, अच्छा खासा हो गया। ठीक है, मैगी तो देखो अब मैं बताता हूँ, देखो खाने में क्या देना है। सुबह मॉर्निंग में आप दो से अच्छा, उन्होंने कहा था कि देखो मल्टीविटामिन भी दे रही हूँ, कैल्शियम भी, और देखो इतनी सारी चीज़ें एक साथ मत दो। लीवर टॉनिक जब देते हैं, जब डॉग को भूख नहीं लग रही हो तब देते हैं लीवर टॉनिक, या उसको लीवर हेल्दी करने के लिए। लेकिन अब एक महीना हो गया तो एक बोतल से ऊपर मत पिलाना, उसको बंद कर दो वहाँ पर। कैल्शियम इस वक्त उसको कैल्शियम की ज़रूरत है और मल्टीविटामिन की, 2 बार नहीं देना है डॉग को। बच्चा है, बच्चे को 2 बार देके कहाँ से उसको डाइजेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी, उसको प्रोटीन में प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, तो करना क्या है, जब फर्स्ट टाइम देखो, फर्स्ट टाइम आप फीड दो अच्छा सा, 100 ग्राम दे रहे हो 150 ग्राम बढ़ा दो, उसमें मल्टीविटामिन डालना, 3 ml इसके लिए बहुत है, 3 ml मल्टीविटामिन पूरे दिन के लिए बहुत है। दोबारा मत देना, 2 टाइम में मत करना, सिंगल रखना, 3 ml, 3 ml फीड के साथ बहुत है। उसके बाद आप 12 बजे खाना लो, खाने में उसको चाहे आप दही चावल दे दो, दोपहर में तो हल्का खाना दो, बिल्कुल हल्का, या लिक्विड में जितना हो सके तो लिक्विड में दे दो। ठीक है, गर्मियों में आप लिक्विड दो उसको, दही चावल, मट्ठा वगैरह यही चीज़ दो लिक्विड में।
रात को क्या दो, थोड़ा चावल दे दो, सब्जी और कैल्शियम डाल के, तीन ही ML कैल्शियम ले लो, 3 ML कैल्शियम, सब्जी हो आपके घर का खाना दे दो, घर का खाना दे दो, राइस के साथ दे दो, ज़्यादा अच्छा है क्योंकि राइस दोगे जल्दी से डाइजेस्ट हो जाएगा। लेकिन सुबह का जो फूड रखोगे, अच्छा हैवी फूड रखना, क्योंकि जो मेन काम करेगा वो सुबह का फूड करेगा, दोपहर का भी नहीं करेगा, क्योंकि दोपहर में तो वैसे ही उनको गर्मी लग रही होगी भाई, गर्मी का इशू, गर्मी का मौसम है तो गर्मी लग रही होगी, तो इतना ही हेल्थ पे लगेगा, जो लगेगा मॉर्निंग का लगेगा या नाइट का लगेगा, दोपहर का नहीं लगेगा। दोपहर में तो यह है कि चलो उसको ठंडक देने के लिए, कि शरीर में ठंडक रहे, पेट जो है ठंडा रहे, उसको आप उसमें से देना दही मट्ठा वगैरह, ये चीज़ दो लिक्विड में, ठीक है। चाहे आप रोज डेली दो कोई शून्य, लेकिन रात में मत देना, सुबह में मत देना, दोपहर में दो, जो जैसा मैं करता हूँ। मैं इनको सुबह फीड, सुबह थोड़ा फीड के साथ खाना मैं देता हूँ, और उसमें मल्टीविटामिन ऐड कर देता हूँ। इसको देता हूँ मैं 3 ML, 3 ML गोरी को, 5.5 महीने की है वो, उसका वेट है भी 16 किलो। हाँ, आपका 14 किलो है, हो सकता है गर्मी मारी हो, कोई इशू नहीं है, हो जाएगा। लेकिन जो लीवर टोनिक है वो बंद कर दें अभी के लिए, एक टाइम पे एक ही चीज़ दें। मल्टीविटामिन दे रहे हैं तो सिर्फ एक टाइम पे, सुबह के मॉर्निंग में मल्टीविटामिन दें। तो सुबह में आप फीड दे रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर फीड हिमालय का आप बता रहे थे मुझे फीड दे रहे हैं, तो उससे अच्छा हो सके तो आप स्मार्ट हार्ट ले लो, तो ज़्यादा अच्छा काम करेगा। स्मार्ट हार्ट में फैट ज़्यादा होता है और बढ़िया काम करेगा, स्मार्ट हार्ट सस्ता भी है, फोकस से सस्ता है। 20 kg का पैक ले लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऐसा मेरे यहाँ पड़ता है 20 kg का पैक, करीबन 4,000 रुपये के समथिंग का। आप अपने यहाँ पता कर लेना कि कितने का पड़ रहा होगा, ठीक है। मेरे यहाँ तो इससे कम का भी पड़ जाएगा, क्योंकि देखो अपने अपने जानकार के ऊपर बात होती है, तो मेरे यहाँ इतने का 4,000 का तो कम से कम पड़ जाएगा। आप पता कर लेना, थोड़ा 100-200 रुपये ऊपर नीचे हो तो कोई बात नहीं, आप उसको ले। 20 kg का लेना तो ज़्यादा फायदे में है, क्योंकि उसमें प्रॉफिट अच्छा खासा बच जाता है, ठीक है। सुबह मॉर्निंग में अच्छा फीड दो, मल्टीविटामिन ऐड करके, दोपहर में उसको दही चावल वगैरह लिक्विड में, तो जितना हो सके, चाहे पर डे तो कोई इशू नहीं है, ठीक। उसमें कुछ मत डालना। शाम के खाने में देखो, सुबह देना 9 बजे के आसपास खाना, दोपहर में 1 बजे, और रात में ठीक 8, 8:30, 9 बजे। 9 बजे दोगे तो उसको रोटी, एक रोटी डाल देना, चावल डाल देना, जो आप अपने एग के साथ दे सकते हो, अगर एग नहीं है तो आप मीट दे रहे हो तो मीट में दे दो, उसमें फिर कैल्शियम ऐड कर देना आप, ठीक है। रात के खाने में कैल्शियम ऐड कर देना, 3 ML देना, 3 ML इससे, देखो क्वांटिटी मत बढ़ाना, क्वांटिटी कम ही रखो, ठीक है। तो देखिए सिंपल सा डाइट प्लान है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना आपने, ठीक है। रात के खाने में कैल्शियम ऐड कर दें, और सुबह के खाने में आप मल्टीविटामिन ऐड कर दें। रात के खाने में वही देना, चावल एक दो रोटी, एक रोटी या दो रोटी बहुत है, और थोड़ा जो भी आप ऐड करना चाहते हो, एग वगैरह या मीट वगैरह, जो भी आप दो, ठीक है। तो इससे ही हेल्थी हो जाएगा। देखो डॉग को फैटी नहीं करना है, हेल्दी रखना है, हमारा मोटिव है डॉग को हेल्दी करना, फैटी नहीं करना। और आपके पास फीमेल है ऑलरेडी, तो फीमेल को अगर आप फैटी करोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी आने वाले इन फ्यूचर। तो हेल्दी रखो, देखो वेट बढ़ जाएगा, गर्मी में वेट जो है कम बढ़ता है, 1/2 kg बढ़ा, 1 किलो बढ़ा, कभी नहीं बढ़ा। गोरी का नहीं बढ़ा था पिछले महीने, लेकिन उसका अब बढ़ा। अब मैं चेक करूँगा करंट 20 तारीख को, क्योंकि डिवॉर्मिंग करानी, हाँ डिवॉर्मिंग का भी ध्यान रखना, पर मंथ उसकी डिवॉर्मिंग करना फिलहाल अभी, क्योंकि डिवॉर्मिंग मैं इनकी कर रहा हूँ, पर मंथ पे कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो ऐसे ही आप रूटीन रखना, तो आपका जो डॉग है हेल्दी हो जाएगा और अच्छा वेट गेन कर लेगा। तो आयो मेरी छोटी सी वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे मेरी वीडियो की सही सही नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में काफ़ी वीडियोज़ के लिंक है, जैसे फंगल इन्फेक्शन और स्किन इन्फेक्शन या पपीज़ कब देगी फीमेल, और अदर सभी टॉपिक पर अलग अलग वीडियो है, आप वो भी एक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना, ठीक है। और आपका कोई भी कमेंट क्वेरीज हो तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना, मैं उसका आपको तुरंत रिप्लाई करूँगा, ठीक है। और आई होप, तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। थैंक यू फ्रेंड्स।